So, hello guys, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फिर पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैं कब्रिस्तान गया था, तो फिर वहाँ से मुझे बहुत खतरा महसूस हुआ था कि वहाँ पे वही आइडेंटिटी सेट वाले भैया या के अंकल बता आ गए थे, और उनके किसी दोस्त ने उनका कोई दोस्त था वो मेरे पीछे करने का। तो फिर वहाँ से बच के तो मैं आ ही गया, तब भी ज़्यादा दिन तक लगता है नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि वो भैया भी बहुत चालाक है, कुछ भी कह सकते। तब भी मैं तो बच ही गया ना, उसी बात की मैं खुशी बना रहा हूँ। नहीं तो फिर अगर वो भैया मुझे पकड़ लेते ना गाइस, तो फिर क्या हाल अभी मेरे साथ होता गाइस, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि वो भाई कोई किडने पर है, तब भी हे गाइस। तो फिर वो भैया जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, और कल मैं अपनी साइकिल चला के उस जगह में गया था, वहाँ पे मतलब कि किसी का सामने घर है ना गाइस, हमारा घर उस घर पे ना मतलब कि एक घर है ना गाइस, वहाँ पे तिलक था। तो फिर से वहाँ पे जो कांटेदार रास्ते थे ना गाइस, वहाँ की झाड़ियाँ सारी सारी काट दी गई है, पूरा पूरा एक बड़ा सा मैदान बन गया है। तो फिर उसे वहीं पे मैं सोचा कि खेल लूँ थोड़ी देर, तो वहीं पे मैं अपनी साइकिल लेके गया, और जैसे ही साइकिल रूम करके चलाया जा रहा था ना गाइस, तभी मैंने ऐसा कुछ देख दिया जिससे कि मैं वहीं से भाग गया। माय गॉड, ओ भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ मैं? हे बापरे, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये कौन सी आंटी है जो कि मुझे घूर रहे हैं कपड़ा पहने? एक सेकंड, आपको नहीं दिख रही होंगी वो आंटी कैमरे में गाइस, तब भी मुझे तो दिख रही है, पता नहीं गाइस कौन आंटी है, ये आंटी मुझे क्यों घूर रही है? ओपे आगे देखो कब्रिस्तान में, ओ भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये किसी का कुछ घर वर बनाने टाइप के ईटे निकाल रहे हैं, पता नहीं गाइस क्या हुआ है। ओ भाई साहब, अच्छा वो आंटी किसी से बात कर रही है मोबाइल देके, पता नहीं किससे बात कर रही होंगी, मैं तो डर ही गया था। गाइस तो आप लोगों को देखेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ जो कब्रिस्तान है ना गाइस, मैं घर के यहाँ पीछे साइड में वहीं पे मैंने उन भैया को देखा था। ये कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान को किसी ऐसे जगह में नहीं बना सकते, यहाँ पे किसी का घर हो वहीं पे कब्रिस्तान बना देना चाहिए। हाँ गाइस ये बहुत सही कर रहे हैं, हाँ पता है मुझे कितना सही कर दे रहे हो, नहीं तो
कब्रिस्तान किसी के घर के पीछे बना सही है? बता दे गाइस, पहले ये घर बना है या कि वो कब्रिस्तान? ऐसा ही होता है का क्या गाइस? ये ठीक बात हुई, आप लोग मुझे जरा बताइए। और गाइस, जब भी आप लोग मुझे कोई कमेंट करते हैं ना, तब ना उस वीडियो को अच्छे से याद कर दिया करें कि कौन सी वीडियो पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे कमेंट करता है ना, तो मैं उसी अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका जवाब नहीं देता। जो कमेंट लोग करते हैं ना, उसके अंदर भी एक छोटू सा कमेंट बॉक्स बना है ना गाइस, उसी में मैं जवाब दे देता हूँ। और एक बार एक आदमी ने, मतलब कि कुछ बच्चों ने मुझे मैदा दिखा था, और वो भी यूट्यूबर ही है, जब भी अपने चैनल में एक ही वीडियो डाले हैं, और वो शॉर्ट है, और वो वीडियो है। एक बात बताता हूँ, क्या होमवर्क करती हूँ वही सिंचैन की वॉइस में। ये किसकी आवाज आ रही है? ओ भाई साहब, भागो भागो भागो, मैं तो भाग जाऊंगा। इधर पांच मिनट दिख रहा था। चाह पूजा करना है ना तुलसी माता की, तो यहाँ पूजा कर दी। आपसे जानते आप यहीं पे पूजा कर दी, मैं जा रही यहाँ था नीचे। तो भी बाय गाइस, यहीं से कूद जा। ये पॉप तो गाइस आज के लिए यहीं तक है, तब तक गुड बाय गाइस। अरे बंद, अरे यार बंद ही नहीं हो रहा मोबाइल, तभी तो मैंने मोबाइल का नाम हैंग गुदा रखा है, क्योंकि हैंग करता ही है।